हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल्स। तो ईएमएफ क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ईएमएफ मींस जो हमारे ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सेल का, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सर्किट में आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी आर है, और जब सर्किट ओपन होगा, करंट जीरो होगा, तो वो उसकी ईएमएफ होगी। ठीक है, अब हमने ईएमएफ का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो कैसे ड्राइव करेंगे? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओम्सला वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो अगर हमारे पास सर्किट ओपन है तो वी वोल्टेज को हम ई ले लेंगे। ठीक है, फॉर ओपन सर्किट। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज में है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। ठीक है, तो I को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, आई आर प्लस आई आर। तो ये आई आर किसके इक्वल होता है? V के। तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? V निकाल लेंगे। तो V क्या हो जाएगा? E माइनस आई आर। ठीक है, तो ये हमारी स्टूडेंट्स, ये आ गई वोल्टेज, ये ईएमएफ है, और ये जो आईआर है ये करंट थ्रू सेल है, क्योंकि सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट फ्लो करेगा ये वो वाला करंट है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स हमने करंट इन द सर्किट देखना है तो इस इक्वेशन में से आई को निकाल देंगे बाहर। यहां से आई कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये करंट इन द सर्किट है। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट्स आगे लेने हैं सेल्स इन सीरीज। तो जब मैं दो सेल्स को सीरीज में जोड़ूंगा तो सबसे पहले मैं सेल्स को सीधा जोड़ रहा हूं, जो कि सही पोलैरिटी है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो आपको पता है कि सीरीज में करंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। तो इसकी ई एम एफ ई वन, इसकी ई एम एफ ई टू, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, R2 इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसकी जो वोल्टेज होगी इस सेल की वो होगी V1 यहां तक, इसकी वोल्टेज यहां पे क्या होगी? V2। ठीक है, फॉर्मूला हमने ये वाला यूज करना है। ओके, तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर V1। V1 मींस E1 माइनस आई आर वन। आई सिर्फ एक ही है। फॉर सेल टू वी टू इज इक्वल टू ई टू माइनस आई आर टू। ठीक है, अब वोल्टेज दोनों की टोटल वोल्टेज क्या होगी? वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। तो वी इज इक्वल टू वी वन वी टू की वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है। तो क्या बन गया? ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू। तो ऐसे लिख लेना, ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं टू। अब कंपेयर करना है इसको इक्वेशन नंबर ए के साथ। कंपेयरिंग विद इक्वेशन नंबर ए, वी गेट वी इज इक्वल टू ई की जगह क्या आ जाएगा? ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू। ये टोटल ई है और ये आर है, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो ये वैल्यूज ई की बन गई और ये आर की बन गई। अब हमने टोटल करंट फाइंड करना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या था? आई इज इक्वल टू ई आर प्लस आर। तो आई हमने करंट फाइंड करना है फॉर सीरीज। तो ई हमने कितनी निकाली है? ई वन प्लस ई टू बाय आर। आर स्मॉल कितनी निकाली है? आर वन प्लस आर टू। तो ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला बन गया हमारा करंट इन द सेल्स When they are connected in series, ठीक है। तो next हमारे पास क्या है? Parallel, parallel combination of cells। तो अब मैं दो cells parallel लगाऊंगा, सीधी polarity लगानी है हमने। तो अब यहां से current कौन सा कितना flow करेगा? I1। यहां पे क्या करेगा? I2। E1 इसकी EMF है, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है, E2 इसकी ईएमएफ है, R2 इसकी है।
अब यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट होती है, वी कांस्टेंट, लेकिन टोटल करंट यहां पे कितना आ जाएगा, ये दोनों यहां पे आके हो जाएंगे प्लस, तो आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, अब वही इक्वेशन लगाएंगे हम, वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर वन, सॉरी आर। अब यहां से फॉर फर्स्ट सेल, सेल फर्स्ट की वी कितनी आएगी, वी कांस्टेंट है, वी इज इक्वल टू ई वन माइनस आई वन आर वन। अब यहां से आई वन निकाल लेते हैं बाहर, आई वन कितना आएगा, आई वन इज इक्वल टू ई वन माइनस वी बाय आर वन। सिमिलरली फॉर सेकेंड सेल, आई टू इज इक्वल टू ई टू माइनस वी बाय आर टू। फाइव एंड सिक्स दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन फोर में, तो यहां से ध्यान से करना, आई इज इक्वल टू ई वन माइनस वी बाय आर वन प्लस ई टू माइनस वी बाय आर टू। सबसे पहले क्या करेंगे, ई वन बाय आर वन माइनस वी बाय आर वन, दोनों के नीचे रख दिया मैंने, ई टू बाय आर टू माइनस वी बाय आर टू, तो ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू माइनस वी, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। ठीक है, अब आपने ध्यान से देखना है कि जिस इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करने वाले हैं वो ये वाली इक्वेशन है, लेकिन यहां पे वी है यहां पे आई है, तो इसको वी की फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करेंगे, ये वी बाहर निकालना हमने। ठीक है, तो अब हम ध्यान से देखो, अब I इज इक्वल टू, यहां पे मैं रेसिप्रोकल एलसीएम ले लेता हूं, आर वन आर टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन। ठीक है, माइनस V, यहां पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, आर वन आर टू प्लस आर वन। ठीक है, अब इस V को हमने अकेला छोड़ देना है, ये सारा इस साइड लेके जाएंगे, I माइनस ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बाय आर वन आर टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी आर टू प्लस आर वन, आर वन प्लस आर वन आर टू। नेगेटिव साइन को हटाना है, नेगेटिव साइन मीन्स सभी को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूं, ई वन आर वन प्लस ई टू आर वन, ई वन आर टू, ई टू आर वन, आर वन आर टू, ये माइनस था इसे प्लस हो गया, ये प्लस था यहां पे माइनस आई हो गया, वी आर टू प्लस आर वन बाय आर वन आर टू। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब ध्यान से देखो, ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, इसको हम जब इधर लेके जाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सुनो, ये आर वन आर टू ऊपर सारा मल्टीप्लाई करना है पहले, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बाय आर वन आर टू, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन टू आर वन आर टू माइनस आई, ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आर वन आर टू। अब ये नीचे जाएगा, ये आर वन प्लस आर टू इसके सभी के नीचे जाएगा, इन टू आर वन प्लस आर टू बाय आर वन प्लस आर टू, यहां पे अकेला बच गया वी। ठीक है, ये स्टेप अपने ध्यान से करना है। अब यहां पे कटिंग हो रही है इसकी, ये कट गया, यहां पे कुछ नहीं बचा, तो अब मैं वी को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। ठीक है, तो अब इसको कंपेयरिंग विद किससे, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो यहां पे ई कितना आ गया, ई ये सारा आ गया, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बाय आर वन प्लस आर टू, और आर कितना आ गया, ये सारा आर आ गया, आर इज इक्वल टू आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। अब करंट इन द सर्किट क्या लेंगे, आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर, तो ई की वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है, आर की वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है फॉर पैरेलल, तो ये क्या बन गया, आई इज इक्वल टू ई की वैल्यू E1 R2 टू प्लस ई टू आर वन, आर वन प्लस आर टू बाय आर प्लस ये आर, आर वन आर टू
बाय आर वन प्लस आर टू। ये हमारा हो गया करंट इन द सेल्स फॉर पैरेलल, ठीक है।